वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह ने मंगलवार की शाम चुनावी नतीजे आने के बाद हार स्वीकार करते हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। इंतजार था 13 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज शिवराज सिंह चौहान का। मध्य प्रदेश की मतगणना 12 दिसंबर की 8 बजे तक चली। पूरी रात ऐसा लगता रहा कि कहीं बड़ा उलटफेर ना हो जाए। 8:15 बजे स्थिति साफ हो गई। किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस और बीजेपी के बीच महज 5 सीटों का फर्क रहा। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि सारे निर्दलीय विधायकों के समर्थन मिलने के बाद भी बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़ों तक नहीं पहुंच पा रही थी। मायावती ने अपने 2 विधायकों और समाजवादी पार्टी ने 1 विधायक का समर्थन कांग्रेस को देने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सारे विकल्पों को देख चौहान बुधवार 11 बजे दिन में मीडिया के सामने आए और कहा, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले, लेकिन संख्या बल में हम पिछड़ गए। मैं संख्या बल के सामने सिर झुकाता हूँ और अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार विद्रोही का मानना है कि मध्य प्रदेश में यह चौहान की चूक नहीं है, बल्कि यह जनादेश केंद्र सरकार के नोटबंदी और गलत नीतियों के खिलाफ है। विद्रोही कहते हैं, नतीजे आने के बाद मैंने कई गाँव वालों से बात की, किसी ने शिवराज सिंह चौहान की बुराई नहीं की। सबने चौहान की तारीफ और कहा कि नोटबंदी के कारण उनका नुकसान हुआ है। नोटबंदी से आम लोग प्रभावित हुए हैं और जीएसटी से मध्य वर्ग। शिवराज सिंह चौहान नेतृत्व के कारण ही बीजेपी को कांग्रेस से भी ज्यादा वोट मिले। हम कह सकते हैं कि यह जनादेश शिवराज के चुनाव में मोदी के खिलाफ है।